हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेहरू रिपोर्ट 1928। आज हम नेहरू प्रतिवेदन 1928 के बारे में परिचर्चा करेंगे। नेहरू अधिनियम 1928 के बारे में परिचर्चा से पूर्व हमें साइमन कमीशन के बारे में ब्रीफ में जानना होगा। फॉर्मल लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि व्हाट वाज द साइमन कमीशन और व्हाट वाज द रोल ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन की क्या भूमिका रही है। इसी सीरीज में जब तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बिर्किनहेड स्टेट्स दैट आर यू कैपेबिलिटीज टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या भारतीय एक संविधान बनाने की काबिलियत रखते हैं। लॉर्ड बिर्किनहेड की वह चुनौती जो उनके द्वारा भारतीयों को साइमन कमीशन का प्रतिरोध करने के समय दी गई, उनका ये कहना कि यदि भारतीय साइमन कमीशन का प्रतिरोध करते हैं तो इस प्रतिरोध के प्रत्युत्तर में उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ड्राफ्ट अथवा भारत की शासन व्यवस्था के संचालन का एक प्रारूप होना चाहिए। ऐसा संवैधानिक प्रारूप जिस संवैधानिक प्रारूप पर और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट पर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया आर कंसेंट हैव कंसेंट, सभी राजनीतिक दल उस पर सहमति रखते हो। यदि ऐसा सर्वसम्मति वाला कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट वे बनाते हैं तो निसंदेह उन्हें ये राइट्स हैं टू अपोज दी साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का प्रतिरोध करने का। लॉर्ड बिर्किनहेड के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के निर्देशन में एक सब कमेटी का गठन हुआ, जो सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए बनी उसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू के अलावा तेज बहादुर संप्रू, इमाम साहब, आरजी प्रधान और सुभाष चंद्र बोस इसके प्रमुख सदस्य थे, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसे संवैधानिक ढांचे की तैयारी करना था जिस संवैधानिक ढांचे पर अधिकांश राजनीतिक दल सहमति रखते हो। लॉर्ड बिर्किनहेड और साइमन कमीशन इस आयोग के जो ग्रुप थे, समूह थे, उनमें सबसे बड़ा जो प्रतिरोध था, जो आंतरिक कलह था अथवा हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन का नहीं होने का या समन्वय नहीं होने का मुख्य आधार था, वह था कि क्या भारत को डोमेन स्टेट का दर्जा दिया जाए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाए। नेहरू रिपोर्ट में इस सब कमेटी के कुछ मेंबर्स जो निसंदेह रूप से युवा थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, उन्हें फुल ऑटोनोमी वाला स्वराज चाहिए था। परंतु अधिकांश राजनीतिक दलों का और बहुमत का यह मानना था कि इस समय के जो राजनीतिक हालात हैं उनके हिसाब से हमें डोमिनियन स्टेट की मांग ही रखनी चाहिए। और अंततः अगस्त 1928 में विद द रेजोल्यूशन ऑफ डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया के साथ ही नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को पब्लिश किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और तमाम तरह के राजनीतिक दलों से बातचीत करने पर उनकी भावनाओं का, उनकी मांगों का हमें पता चलता है। पहला प्रस्ताव जब साइमन कमीशन का प्रतिरोध किया जा रहा था मद्रास कांग्रेस सेशन में, तो मोहम्मद अंसारी की अध्यक्षता में एक 4 डिमांड्स फार्मूला मुस्लिम लीग के द्वारा तय किया गया। मुस्लिम लीग का ये 4 सूत्री कार्यक्रम रखा गया, उनकी 4 मांगे थी कि जिन मांगों को जब नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए संविधान तैयार किया जाए तो इस संविधान के निर्माण में इन मांगों को ध्यान में रखा जाए। जैसा यू कैन सी इन पीपीटी,
हु डिमांड्स, जिसे दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग भी कहा जाता है, मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रस्ताव भी कहा जाता है। पहली डिमांड थी रिजर्व्ड एंड जॉइंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि मुस्लिम लीग मुस्लिम संप्रदाय के लिए धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा, उस रिजर्वेशन के साथ साथ जॉइंट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होंगी, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां भी वो निर्वाचन प्रणाली अथवा इलेक्टोरल सिस्टम में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सामान्य संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होंगे और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कम्युनल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया होंगे। सेकेंड मांग थी 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में, जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा है। 1919 के अधिनियम में, जैसा आपको ज्ञात होगा कि पहली बार जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वह बी कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। तो बी कैमरल लेजिस्लेचर का जो फर्स्ट हाउस था विच नॉमिक्लेचर वाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सेकेंड हाउस वाज काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्य परिषद था। तो केंद्रीय विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उन सीटों का 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर मोमडन्स कम्युनिटी होना चाहिए, 1/3 प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को दिया जाए। तीसरी डिमांड थी रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन पंजाब एंड बंगाल, पंजाब प्रांत में और बंगाल प्रांत में, पंजाब और बंगाल दोनों ही जगह मुसलमानों को, पंजाब और बंगाल प्रांत पे जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन कंसर्निंग स्टेट लाइक पंजाब एंड बंगाल। चौथी उनकी डिमांड थी कि रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 मुस्लिम प्रोविजंस, नेमली सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 3 प्रांतों का, अन्य प्रांतों का पुनर्गठन करके, पुनर्निर्माण करके 3 नए प्रांत बनाए जाएं, और इन 3 नए प्रांतों का जो नाम है वो सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के रूप में होना चाहिए। बेसिकली मोमडन कम्युनिटी ये चाहती थी कि उनके लिए मुस्लिम प्रतिनिधित्व को रिजर्व किया जाए, पंजाब और बंगाल में उनकी स्थिति ठीक रहे, और 3 प्रांत, 5 प्रांतों में वो मुस्लिम बाहुल्य प्रतिनिधित्व की आकांक्षा रखती थी। दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग विल नॉट बी हैव नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द नेहरू कमेटी। सम डिमांड्स जो थी वो जरूर एक्सेप्ट की गई, परंतु उन दिल्ली प्रपोजल को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। जब मुस्लिम लीग की 4 मांगे कांग्रेस के सामने रखी गई तो हिंदू महासभा ने भी अपना प्रतिरोध दर्ज कराया और उन्होंने इन मांगों को पूर्ण रूप से नकार दिया। हिंदू महासभा का यह जरूर विचार था कि कुछ रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उनको दी जाए, परंतु एक यूनियन ऑफ स्टेट की अथवा इंटीग्रेटेड अथवा फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ का, एकात्मक सरकार का निर्माण किया जाए जिसमें संघ सरकार पर डिपेंड होगा कि वह प्रोविजंस को, प्रांतों को कितनी ऑटोनोमी देती है अथवा अन्य प्रांतों के गठन के बारे में क्या रूल्स और रेगुलेशंस मेकिंग का कार्य करती है। न्यू प्रपोजल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। जब हिंदू महासभा ने प्रतिरोध किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया प्रस्ताव बनाया और 3 डिमांड्स के साथ ये प्रपोजल न्यू प्रपोजल ऑफ जिन्ना के नाम से जाना जाता है। जिन्ना का नवीन संशोधनकारी 3 मांगों का प्रस्ताव। What are the 3 demands of Muhammad Ali Jinnah in new proposal of Muslim League? Muhammad Ali Jinnah ने कहा पहली डिमांड के रूप में कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मांग पहले 4 मांगों में अथवा दिल्ली प्रपोजल में थी उनमें से पहली मांग ये स्वीकार है। फिर से कहा गया कि केंद्रीय विधानसभा की कुल निर्धारित सीटों में से 1/3 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग के लिए होना चाहिए। सेकेंड डिमांड रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, जो 4 दिल्ली प्रपोजल की 4 डिमांड्स में जो इंक्लूड था
तीसरी डिमांड्स भी ऐसी कैसी इसको शामिल कर लिया गया। इसका दो दूसरी डिमांड भी, चार मांगों में से दो मांगी वही थी जो दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग में शामिल थी। पहली 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द सेकेंड वाज रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन पंजाब एंड बंगाल। जनसंख्या के अनुपात में जितनी जनसंख्या मुस्लिम है उस मुस्लिम पॉपुलेशन को पंजाब और बंगाल दोनों प्रांतों में आरक्षण दिया जाए। और तीसरी डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी कि रेजुडी पावर्स विल बी वेस्टेड इन प्रोविजंस, अवशिष्ट शक्तियां जो शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, डेलीगेशन किया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में अंतर्निहित की जाएं। ये उनकी तीन मांगों का नया न्यू प्रपोजल ऑफ जिन्ना था। देन जब जिन्ना की इन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया अथवा एक कोऑर्डिनेशन व्यूज समन्वयकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए हिंदू महासभा के प्रतिरोध को देखते हुए और प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कल्चर्स लैंग्वेज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इस समाज के समुदाय की भाषा संस्कृति अन्य समूहों को जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उनको ध्यान में रखते हुए नेहरू कमेटी ने रिकमेंडेशन देने की बात कही। परंतु मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। कहने का अभिप्राय यह है कि जब लॉर्ड ब्रिकेनहेड ने चैलेंज दिया और उसको एक्सेप्ट किया गया तब लगभग सभी राजनीतिक दलों में बहुत अधिक एकता देखने को मिली, इंटीग्रिटी देखने को मिली, यूनिटी देखने को मिली कि वह भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करेंगी। परंतु शीघ्र ही जब इस ड्राफ्ट को तैयार करने की बात व्यवहारिक स्तर पर आई तो इनके बीच जो मतभेद थे वो मतभेद खुलकर सामने आ गए और इनको जनरली हम कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष के नाम से जान सकते हैं, जो जिनको अपने अपने कम्युनिटी को लेकर एक तरह का भय था, डर था अथवा कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र और स्वायत्त संघ निर्माण की उनके बीच आकांक्षा छिपी हुई थी या रहस्य के रूप में विद्यमान थी। जब इन बातों को स्वीकार नहीं किया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मार्च 1929 में, हालांकि अगस्त 1928 में प्रपोजल दे दिया गया और नेहरू रिपोर्ट ने इसको तैयार कर लिया, परंतु फिर भी उसमें ऐड करने के जोड़ने के लिए संभावना के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना बार बार अपने आप को स्थापित करने के लिए मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में, मुस्लिम समुदाय के सुधारक के रूप में, उद्धारक के रूप में वह प्रस्तुत कर रहा था। और इस तरह से उन्होंने फिर से 14 points ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 बिंदुओं की बात कही गई कि ये 14 बिंदु शामिल होने चाहिए, ऐड किए जाने चाहिए, जोड़े जाने चाहिए। तो व्हाट आर द 14 points ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना? सो नंबर 1, नो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगों में, 14 बिंदुओं में पहला पॉइंट था कि जिस भारतीय संघ का निर्माण किया जा रहा है उस भारतीय संघ में जो भी कोई संवैधानिक परिवर्तन किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, वह उन राज्यों की सहमति से किया जाएगा जिन राज्यों को मिलाकर इस फेडरेशन का गठन होना है। दूसरा, रेजुलरी पावर्स विद प्रोविजंस, जो पहले भी उसने कहा, अवशेष शक्तियां जो हैं वो प्रांतों में निहित होनी चाहिए, केंद्र को नहीं दी जानी चाहिए। एक फेडरेशन को मजबूत करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा चाह रहा था, अथवा मोहम्मद अली जिन्ना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उनके बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। एनएफ रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की गई कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में और सब जगह उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो मांग उन्होंने 4 डिमांड्स ऑफ दिल्ली प्रपोजल और 3 न्यू डिमांड्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना दोनों में इंक्लूड था, 1/3 रिजर्वेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान सभा में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया जाए, एनएफ रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन लोकल एंड अदर सर्विसेज, न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अपितु तो इसके साथ साथ जो स्थानीय सेवाएं हैं और जो सिविल सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में भी, अदर सर्विसेज में भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई।
वन थर्ड मुस्लिम विल बी इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट। इसी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स में यह भी इंक्लूड किया गया, न केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वन थर्ड सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, इसके साथ साथ जो प्रांतों में कैबिनेट बनेगा, मंत्रिमंडल बनेगा, और जो केंद्र में मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल में भी वन थर्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ बॉम्बे और सिंध, सिंध को बॉम्बे से पृथक एक प्रांत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, हालांकि मांग स्वीकार भी हुई और आगे चलकर सिंध का निर्माण भी हुआ। तो ये 7 डिमांड्स, 7 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना है। नेक्स्ट स्लाइड में 7 अदर 7 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। आठवां जो पॉइंट्स मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट्स का था, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कही गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधि तो बने रहेंगे, केवल सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं होना चाहिए, अपितु संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचन का प्रतिनिधित्व 1909 के अधिनियम में मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया गया है, वह प्रतिनिधित्व आगे भी बना रहेगा। बिल ऑफ माइनॉरिटीज 3/4, बिल ऑफ माइनॉरिटीज 3/4 के रूप में, कि यदि माइनॉरिटीज से संबंधित कोई भी बिल होगा, कोई भी चेंजेज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, वह बिल तभी पारित माना जाएगा जब उस अफेक्टेड माइनॉरिटीज कम्युनिटी की 3/4 लोगों के द्वारा कंसेंट दी जाए। देन 10 पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्लूच एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में भी संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल कम्युनिटीज, सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की मांग की गई। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर्स, मुस्लिम संस्कृति, भाषा, सभ्यता से जुड़े हुए इन तमाम उपबंधों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा। 13 पॉइंट्स, नो चेंज इन बॉम्बे पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यदि किसी प्रकार का इलेक्टोरल सिस्टम में चेंज होता है, किसी प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन का अथवा निर्वाचन पद्धतियों का इन तीनों प्रांतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात इन तीनों प्रांतों का गठन करने के लिए जो बॉम्बे से सिंध का गठन होगा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई, कि प्रांतों को जनरली जिन्ना वांट्स टू एस्टैब्लिश ए फेडरल स्टेट ऑफ इंडिया या इंडियन फेडरेशन की वो मांग कर रहा था, भारतीय संघ की स्थापना की बात कर रहा था, जहां प्रांतों को स्वायत्तता मिले और ताकि प्रतिरोध करके पाकिस्तान का निर्माण किया जा सके। वास्तव में जिन्ना के इस प्रकार के मंतव्य के पीछे कहीं ना कहीं ये भावना छिपी हुई थी कि किस तरह से फेडरेशन को डिजाइन किया जाए, संघ और उसकी इकाइयों के बीच गतिरोध हो, विरोध हो, संघर्ष हो, जिसके बाद पृथक्करण की बात सामने आए। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की 14 डिमांड थी, लेकिन वास्तव में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के 4 प्रपोजल में, मोहम्मद अंसारी के 4 डिमांड्स ऑफ प्रपोजल में, 3 डिमांड न्यू डिमांड्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग, बहुत कम मांगों को स्वीकार किया गया। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों के साथ परिचर्चा करके, सामान्य बातचीत करके, उनकी कंसेंट लेकर एक सर्वसम्मति वाला नेहरू प्रतिवेदन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी इम्पोर्टेड रिकमेंडेशन फॉलोइंग आर। नंबर 1, डोमेन स्टेट, पहली जो रिकमेंडेशन थी उसी से संबंधित है कि नेहरू रिपोर्ट अथवा नेहरू सब कमेटी का जो एक मेजर पार्ट था वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी की बात कर रहा था या फुल स्वराज की बात कर रहा था, पूर्ण स्वराज की, उसको नकार कर राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से डोमिनियन स्टेट अधिराज्य की बात कही गई। जैसा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अन्य अधिराज्य हैं, डोमिनियन स्टेट है, वैसा ही अधिराज्य का दर्जा भारत को दिया जाए। रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम समुदाय को के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उनकी सीटों को रिजर्व किया गया। रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोविजंस ऑन लैंग्वेज, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को भभी स्वीकार किया गया। 19 फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स,
नागरिकों के लिए 19 मौलिक अधिकारों की बात कही गई, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल किया गया, विचार और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को भी, इसी के साथ साथ इकोनॉमिक राइट्स को भी शामिल किया गया। देन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल, दोनों ही स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की अनुशंसा की गई कि न केवल केंद्रीय स्तर पर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, मंत्रिमंडलीय सरकार होगी, मंत्रिपरिषद होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, अपितु प्रांतीय स्तर पर भी एक ऐसी ही संसदीय व्यवस्था की स्थापना होगी जहां जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हो और कार्यपालिका निसंदेह मंत्रिपरिषद उस सदन के प्रति उत्तरदायी हो जो जनता का सदन हो। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर्स, मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट्स में जो है वह ऑलरेडी उन्होंने इंक्लूड कर लिया था कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज की कल्चर को, सिविलाइजेशन को, लैंग्वेज को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड ऑन स्टेट, ये सबसे बड़ा कदम उठाया गया है कि हमारे इस राज्य का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियस आइडेंटिटी इग्नोर कर दी गई कि राज्य की कोई धार्मिक पहचान होगी। निसंदेह नेहरू रिपोर्ट के अधिकांश जो रिकमेंडेशन थी वो संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा ने अपनाई, यद्यपि इन रिकमेंडेशन का ब्रिटिश एम्पायर पर और ब्रिकनहेड पर और अन्य जो तमाम तरह के उपबंध थे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भले ही उन्होंने चैलेंज करने की बात कही गई, इसके बावजूद भी साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया और पुनः अक्टूबर 1928 में भारत आया। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो लाहौर लाठी चार्ज के दौरान हुई और इसी कमीशन की, साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को 1930, 31 और 32, 1930, 31 और 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी गई और जिसके बाद एक नया अधिनियम हमारे सामने आया जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये थी नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, अन्य दलों की प्रतिक्रिया और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से नेहरू कमेटी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया। यद्यपि राजनीतिक दल पूर्ण रूप से इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। थैंक्स।